शुक्रिया तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है साक्षी आपका, तो तमाम लोग का सबसे पहले तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। तालियां जोरदार, एनर्जी दिखनी चाहिए। ये ताज नगरी है, ये आगरा है, जोरदार तालियां। यहाँ से अभी आवाज भी आ रही तालियों की, भाई तालियां बजाइए। चलिए अब एनर्जी आ रही है ना शो में, ठीक है। हमारे साथ मेहमान है, मेहमानों से मिलवाएंगे, लेकिन इंडिया वॉइस का ये खास प्रोग्राम मुहिम 2022, अभी चुनाव के लिए थोड़ा सा वक्त है, लेकिन सर्दी के बीच ये जो चुनावी सरगर्मी है उसका जायजा लेने के लिए इंडिया वॉइस की टीम पहुंच चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी की बात करें तो सबसे अहम सीट है ये पश्चिमी यूपी, जहां पर पिछली बार बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की थी। और ये भी कहा जाता है कि जिसकी ज्यादा सीटें होती है वो सत्ता के सबसे करीब होता है या फिर सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होता है। तो आज हम जहाँ मौजूद हैं वो है ताज नगरी आगरा। आगरा में हमारे मेहमान कौन कौन है उनसे मिलवा देते हैं, और जनता जनार्दन सवाल करेगी। अगर तमाम आप लोगों का भी कोई और सवाल है तो हमारे सोशल साइट के जरिए लगातार सवाल करिए, आपके सवाल जरूर हम उठाएंगे, नेताओं से पूछेंगे, ये हमारा वादा है। चलिए मिलवाते हैं हमारे साथ मेहमान कौन कौन है। सबसे पहले मैं आपको मिलवा दूँ, स्वागत करते हैं डॉक्टर जे एस धर्मेश, जो कि यूपी के राज्य मंत्री है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है वाजिद निशा जी, जो कि एसपी के महानगर अध्यक्ष है, सपा की तरफ से पार्टी का जवाब देंगे। बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ जोरदार स्वागत करिए। वरिष्ठ समाज सेवी सुग्रीन चौहान जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अनुज शिवहरे जी जिला प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से, चर्चा में भाग ले रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए तो नेताओं से तो हमने मिलवा दिया है और इनके इनसे हम सवाल भी करेंगे, लेकिन अभी अधूरा सा लग रहा होगा आपको, जब तक जनता जनार्दन न मिले तब तक अधूरा लगता है, क्योंकि जनता सीधे सवाल करेगी। तो जनता की आवाज बन रहे हमारे सहयोगी मयंक त्यागी, मयंक के पास चलते। मयंक, कौन से मुद्दे हैं यहाँ के खास, जरा आप बताइए। देखिए, अगर आगरा की तस्वीरों की बात की जाए, तमाम राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ विकास के तमाम जो वायदे हैं वो किए गए। अगर पिछली सरकारों की बात की जाए तो बसपा में 2017 को पूरा बसपा का पूरा एक कॉकस आगरा में जमा हुआ था, लेकिन 2017 में भाजपा ने बहुत अच्छी जीत हासिल की थी। वहीं अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट बेंच की बात की जाए, तमाम चीजें और भी हैं, तमाम पानी के मुद्दे हैं और तमाम विकास के मुद्दे हैं, वो लगातार सरकार में हर समय जनता के साथ रहे हैं। वही तमाम जो विकास की अगर मुद्दे की बात की जाए तो तमाम हमारे साथ सियासी चेहरे भी यहाँ बैठे हैं, जो आम जनता आज उनसे सवाल करेगी। जी बिल्कुल, तो जनता सवाल करेगी, जनता अपने सवालों को लेकर तैयार है। और मैं अपने सवाल की शुरुआत कर रही हूँ यूपी कैबिनेट यानी राज्य मंत्री डॉक्टर जे एस धर्मेश जी से। धर्मेश जी, बघेल साहब योगी कैबिनेट में मंत्री, मोदी कैबिनेट में मंत्री, और आप योगी कैबिनेट में मंत्री, योगी मोदी का कमाल क्या 2022 में दिखेगा? और एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, ये डबल इंजन की सरकार, कितना हुआ विकास? मैं यहाँ पर जितने भी मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं आगरा वासी, मैं सबसे पहले आपके सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आपने 5 साल के अंदर जो आगरा के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं, सबसे पहले आगरा के बारे में ही बता देना चाहता हूँ कि आपके बगल में ही मेट्रो ये बन रहा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 200 करोड़ रुपया सरकार ने इसके लिए जारी किया है और विकास कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। दूसरा, माल रोड पर जो आपका जो दिल्ली वाला रोड है, वहाँ पर जितने आर ओ वी बने हैं और फ्लाईओवर बने हैं, ये आपको जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही इसकी उपलब्धि है। तीसरा, एक डिग्री कॉलेज जो मेरी विधानसभा में बनना है, वो डिग्री कॉलेज भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो उपलब्धि ये आगरा की है, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे ईमानदार सोच के साथ में दमदार पूरी सरकार चल रही है और हर गली हर गांव हर जगह विकास कार्य हो रहे हैं। खरंजे नाली ये सब जगह पूरा विकास आगरा के अंदर हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में
51 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, बताना पड़ रहा है क्या? 3 राज्य विश्वविद्यालय, ये डाटा है, डाटा पढ़ के बोलना पड़ता है। एक से या बीच में मत बोलिए, आप ये सुनिए क्या उपलब्धि है, बीच में मत बोलिए। कार्यक्रम 154 नए माध्यमिक विद्यालय, 26 पॉलिटेक्निकल कॉलेज, 80 ITI कॉलेज, 248 इंटर कॉलेज, सुनने की क्षमता रखिए। प्रश्न किया है तो बीच में मत बोलिए, आप जब प्रश्न करेंगे उसका मैं जवाब दूंगा। इस तरह आप जो सुनने की क्षमता रखिए और आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा जब हम आपके पास आएंगे। अभी मंत्री जी का जो बयान है वो सामने आने दीजिए। 248 इंटर कॉलेज, 771 कस्तूरबा गांधी कॉलेज, 28 निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता प्राप्त और 18 मंडलों में श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय ये बनाए गए हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 लाख नौकरियां नौजवानों को दी गई हैं और बगैर रिश्वत और बगैर सिफारिश के दी गई हैं। पहले की सरकारों के अंदर क्या होता था, जो गरीब का बच्चा नौकरी से रह जाता था और ऊपर से सूची आती थी, लोग ऊपर से लिस्ट आती थी जो पैसे ऊपर भेज देते थे और उन्हीं बच्चों का जो सिलेक्शन होता था, गरीबों के बच्चे जो योग्य बच्चे होते थे वो छूट जाते थे। ये फर्क है पहली सरकारों में और अब की सरकारों के अंदर। जानते हैं पहले सरकार किसकी थी, तो वाजिब निषाद जी आप जवाब देंगे। बिल्कुल बोलिए। मंत्री जी ने पहले उपलब्धि बताई मेट्रो की, तो ये आगरा की जनता जानती है कि मेट्रो की नींव रखने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा भाजपा सरकार ने, जब इन्हें मालूम था कि पिछली सरकार में मेट्रो की नींव रख दी गई है, स्मार्ट सिटी के नाम पे 300 करोड़ रुपया फतेहाबाद रोड पर लगा, उसकी बेकदरी करने का काम इस सरकार ने किया। आज वो कैमरे, आज वो सड़कें, आज वो नालिये, जो ट्रंप के आने पे 300 करोड़ रुपए लगे थे स्मार्ट सिटी के नाम पर, वो सब उखाड़ के इस मेट्रो के चक्कर में फेंक दिए गए। पहली बात रही। दूसरी बात, हमारे मंत्री जी ने जो कॉलेज और स्कूलों की उपलब्धि बताई है, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मंत्री जी कि आपने वो स्कूल नहीं देखे जहां बच्चियां टॉयलेट करने अपने घर जाती हैं स्कूल से। जिन स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, छत नहीं है, मेज कुर्सी नहीं है, नालियां नालों और बरसात के भरे पानी में बैठ के हमारे लोनिहाल पढ़ते हैं इस आगरा जैसे महानगर, जो विश्व में आगरा ताजमहल की वजह से जो शहर जाना जाता है, जिस आगरा महानगर के ये हालात हैं, तो प्रदेश में जो छोटे जिले हैं, मैं समझता हूँ वहाँ क्या नगर नरक होगा ये आप जान सकते हैं। मुहिम की हमारी चल रही है तो सोशल मीडिया पर भी सवाल जी, बिल्कुल सवाल ये कि ये जो इत्र की खुशबू है कहाँ कहाँ जा रही है, ये बताइए कि जनता तक सब पहुँचेगी, जनता पूछ रही है, ये बस नेताओं तक रहेगी? देखिए, ये जो इनके नेता है ना भाजपा के, ये झूठों की पार्टी है। अभी आपने सवाल किया, यहाँ पर अभी आपने सवाल किया, जवाब नहीं सुना, कितने खुश हो गए लोग, बस ये करना जानते हैं। पूरा मीडिया जानती है मैडम, पूरी मीडिया जानती है, पूरा प्रदेश देश जानता है कि हमारे पीयूष जैन में और उसमें कितना फर्क है, लेकिन उसको जबरदस्ती इत्र वाला हमारा यही तो मैं कहलवाना चाहता था, पहले सवाल देखिए हमारे यही फर्क है, ये हमारे ये भाजपा का पीयूष जैन, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, मैं ना हमारा कौन है, हमारा पम्मी जैन है, हमारा पम्मी जैन वो भाजपा बताएगी ना, यूपी में सरकार भाजपा की, केंद्र में सरकार भाजपा की, कौन बताएगा कि वो पैसा किसका है, विपक्ष से पूछ रहे हो, अरे ये सरकार से सवाल करो। पम्मी जैन और पीयूष जैन में न इनके कार्यकर्ताओं को, जब इनके नेताओं को फर्क नहीं पता, तो इनके बेचारे कार्यकर्ताओं को क्या फर्क पता होगी। मैं अपने समाजवादी पार्टी के अपने जो नेता हैं, हमारे मित्र भी हैं, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब पूर्वांचल एक्सप्रेस का जब लोकार्पण जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री ने कहा, तब इन्होंने कहा कि ये तो हमारी योजना थी, इसका भी जवाब में जो आपने मेट्रो जो चल रहा है उसकी हमारी योजना थी। मैं मेरी बात सुन लीजिए, और कानपुर के अंदर मंत्री जी बंसल, स्वागत सत्कार हो जाए थोड़ा सा, स्वागत बंसल जी का, कांग्रेस के नेता है, बहुत बहुत तालियों से
स्वागत करिए बंसल जी का, और अब मंत्री जी अपनी बात पूरी करेंगे, उसके बाद क्योंकि बाकी गेस्ट के पास चलेंगे। मैं ये कह रहा था, कहना चाहता हूँ आगरा की जनता से कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया, तब समाजवादी नेता का ये बयान आया कि ये तो हमारी योजना थी। और अभी गंगाजल एक्सप्रेस, जो गंगा एक्सप्रेस वे है, उसके लिए कहा ये तो हमारी योजना है। और यहाँ का जो आगरा के अंदर मेट्रो का जो चल रहा है, उन्होंने कहा ये भी हमारी योजना है। तो उन्होंने स्वयं सिद्ध कर दिया कि जो पीयूष है ना, वो भी हमारे हैं। ये सिद्ध कर दिया उन्होंने। जब आपके हैं तो आपको क्या परेशानी हो रही है मंत्री जी? देखिए, ये तो भाजपा वाले कह रहे हैं ना, अरे यूपी में सरकार किसकी है, केंद्र में सरकार किसकी है, ये तो सरकार करके पैसे निकाले गए, दीवाल काट के पैसे निकाले गए, पैसे निकाले गए, दुनिया से आया। और ये बता दो, वो तो दुनिया से ऐसे नहीं रखे गए थे, उनके बंडल बना के रखे गए थे। लोग चुनाव के अंदर उसका प्रयोग होना था, काला धन था, ये कहाँ से आया? उनके मंत्री जी को बहुत जानकारी है कि कहाँ इस्तेमाल होना था, वो मंडल बने रखे थे। नोटबंदी कहाँ गई? नोटबंदी के बाद पूछो काला धन कहाँ गया, काला धन कहाँ गया, पूछो काला धन कहाँ गया, नोटबंदी के क्या फायदे हुए? बोल दीजिए, नोटबंदी कितनी सफल रही सर? नहीं, मैं आपका प्रश्न, नोटबंदी ये जो पैसा निकल रहा है, अब तमाम लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं कि नोटबंदी फेल हो गई है, जब नोटबंदी थी पैसा हो गया था, पैसा कहाँ से आ रहा है? वो अब सवाल आप ही से लोग करने लगे हैं। नहीं, मेरे से, हमसे प्रश्न क्यों, इनसे प्रश्न करिए कहाँ से पैसा आया। ये इत्र का पैसा था, इत्र का पैसा था, ये नंबर दो का पैसा काला धन था। सरकार नहीं बताएगी, छापा डाला गया, नहीं बताएगी। रजनी में यार सभी से सवाल पूछ रहे हैं, सभी लोग हैं, आप ये सुनने की क्षमता रखिए। सरकार के मंत्री ये तो सवाल किससे पूछने जाएंगे? ये जो पैसा ये कह रहा है कि जो मंत्री जी जो पूछना चाह रहे हैं, और इन्होंने खुद कहा कि वो छापे क्यों मारे जा रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों हुआ है? हमको आदरणीय मंत्री जी, क्यों पेट में दर्द हुआ इनके? आदरणीय उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि हमारे आदरणीय मंत्री जी, हमारे अलग है, ये आपके हैं पूजन। नोटबंदी से आदरणीय मंत्री जी, मंत्री जी सवाल जनता के बीच में है और बहुत शांति से ये पूछ रहे हैं। सरकार के मंत्री, मेरा नाम अजय यादव है, अजय क्या पूछ रहा था? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर नोटबंदी के बारे में मंत्री बताएंगे या विपक्ष वाले नेता बताएंगे? नहीं, नोटबंदी का हम बताएंगे। ये हमारे नोटबंदी का हम बताते हैं क्यों नोटबंदी ये लागू की गई थी। आपको मालूम है, जरा ध्यान से सुनिए, नोटबंदी का मैं जवाब देता हूँ। नोटबंदी क्यों की गई थी, इसका जो है दिल्ली के अंदर जो जितनी बैंक हैं उन बैंकों का पैसा जो उस समय जितने विजय माल्या और जितने सब लोग थे आदरणीय मंत्री जी को लोन करके खाली कर दिया गया था उस समय। सुनिए, आपने प्रश्न किया है तो मैडम बात सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। नोटबंदी क्यों की गई थी, हेलो, आपने प्रश्न पूछा, हम बता रहे हैं ना आज। सुनिए, नोटबंदी क्यों की गई, जो पैसा जो बैंकों से निकाल करके जितने उद्योगपति थे, बड़े बड़े लोग थे, वो निकाल के बैंकों को खाली कर दिया गया, वो पैसा कैसे वापस आए, उसके लिए नोटबंदी लागू की गई थी। और सबसे ज्यादा जो है ये कांग्रेस के लोगों के और सपा के लोगों के बीच में हुआ था। मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कांग्रेस भी खड़ी है, कांग्रेस की तरफ से। आदरणीय मंत्री जी, दीदी आदरणीय मंत्री जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नोटबंदी से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बात तो ये बता दो, प्रधानमंत्री जी ने कहा था काला धन आएगा, और जब नहीं आए तो 31 दिन के बाद मुझे 20 चौराहे पर खड़े कर जो सजा दोगे देना। कोई सजा दी क्या? कोई सजा दी आपने? अरे विजय माल्या को थोड़ा अपनी बात करिए, अपनी बात करिए, क्या करा आपने, क्या जवाब दिया है? कहाँ गए प्रधानमंत्री? हमको ये बताएं, पूरा 31 दिन बाद मनमोहन सिंह ने आपने जवाब दिया? नोटबंदी से तुमने आपका फायदा हुआ? से निकल के आ रहा है जनता के बीच है। मेरा नाम अंकित अग्रवाल, पहले सभा के मुलायम सिंह यादव कहते थे कि लड़कियों के साथ रेप हो जाते हैं, लेकिन आज हमारी सरकार में लड़कियां सुरक्षित है। इनकी सरकार में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं, इनकी सरकार में, इनकी यात्रा में बार बार डांस कर रहे हैं।
हाथ रसने क्या हुआ, हाथ रस का जवाब दें। रात को जला दिया गया इनकी यात्रा में बाहर बाहर डांस कर रही है, ये कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश को भरने का काम जो भाजपा कर रही है बेटी के नाम पर, वे किसी से छुपा नहीं है। मगर कर रखा है आप मेरा सामने जो बैठे लोग बैठे हैं, देखिए मैं जो भी समर्थक है मैं उनसे अनुशासन की बात कर रहा हूँ। हम यहाँ आके आपके प्रवक्ता बैठे हुए, हम इनसे बात, कृपया लोग शांति से बैठ जाएं। लेकिन आप इस तरह करोगे तो दूसरे लोग भी बैठे हुए, ये तरीके नहीं अनुशासन है, आप ये हल्ला इस तरीके से आप शांति से तो दिया, प्रश्न करिए उसका जवाब दे। आप मंत्री जी को सुनिए, हर प्रश्न का उत्तर करने की जरूरत नहीं है। जब माइक आए आपके पास, जब आप सवाल कीजिए, जब आप सवाल कीजिए, ऐसे करने से आप लोग शांति से सुनिए और अपने शांति सवाल पूछिए। देखिए देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को जो छलने का काम किया था, कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ठीक है। प्रियंका कह रहे हैं हम 40% सीट देंगे, आप ही आबादी पर दांव खेल रहे हैं। एक सवाल मेरे पास आया कि प्रियंका तो लड़कियों की बात कर रही है, सम्मान की बात कर रही है, दिग्विजय सिंह ये जीन्स वाली लड़कियाँ 40 तक 45 तक मोदी को पसंद करने वाली हैं, जो जीन्स वाली लड़कियाँ हैं वो सोशल मीडिया वाली उसको अट्रैक्ट, ये क्या बयान दे रहे हैं? मैडम मैडम अच्छा दिग्विजय सिंह को कोई नहीं देगा, दिग्विजय अपने बयान से हाथ ऊपर नहीं है। दिग्विजय सिंह एक लड़की दिग्विजय सिंह के बारे में दिया है, दिग्विजय सिंह के बारे में मैं बता रहा हूँ, दिग्विजय सिंह को आपने खुद नहीं देगा, वो अपनी बेटी से कम उम्र की लड़की से शादी कर सकता है, उसके बारे में नहीं सुना। हमारे मुख्यमंत्री जी हो, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोग है, और उसके लिए साल भर तक FIR नहीं हुई। कुलदीप सैंगर ने क्या किया? अरे कुलदीप सैंगर जेल शादी की महिला को लड़की जेल गया, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नहीं बचाया, कोई भी बयान नहीं दिया, किसी अपराधी को नहीं बचाया, कोई भी बयान नहीं दिया, साधु हो गया, भारतीय जनता पार्टी किसी को बचा नहीं है। अरे आप कांग्रेस का रहा है, देखिए कांग्रेस के लिए जनता के बीच में एक सवाल आ रहा है, कांग्रेस के लिए एक सवाल है। मैं तो यही कहूंगा बीजेपी बगावत देश बचाओ, तो कांग्रेस की तरफ से एक और सवाल है, आप कांग्रेस के लिए एक सवाल किया गया है। मैं सपा के प्रवक्ता साहब से पूछना चाहता हूँ, बाजी निषाद जी से, जब सेपई में सपा की सरकार थी, जब हजारों करोड़ रुपए बाल बालाओं पे खर्च किए जाते थे, उसका क्या होगा? अरे वो सवाल है, देखिए एक सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से भी है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार दोनों आपकी हैं, 4 साल से जूझ रहे हैं, आयोग ने लंबित भर्तियां 7 में से एक फाइनल हुई, 2016 से लेकर 17 से लेकर चुनाव आने वाले हैं, 1400 दिन होने जा रहे हैं ग्रुप डी की भर्ती है, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा ग्रुप डी की, उसमें 2,48,00,000 बच्चे परीक्षा देंगे, 1200 दिन से ये गुमराह कर रहे, चने बांट रहे, चना बांट रहे, तेल बांट रहे। मंत्री जी जवाब देंगे, इन्होंने मंत्री जी पहले मुझसे सवाल किया, मैं जवाब दे दूं, सवाल नहीं मैं पूछ रहा हूं, नहीं ये बाद में जवाब दीजिए, मैं दोनों को जवाब देना, देने दीजिए, चलिए आप दे दीजिए, नहीं आप दे दीजिए। देखिए ऐसा है, हमने साथी ने ये भले ही थोड़ा सा आक्रोशित हो, मैं अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है, मैं इनसे बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासन में जितनी भर्तियां हुई हैं, मुझे एक जो भर्ती ऐसा बता, ये सब झूठ है, इनके शासन में उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो जाता है, पेपर बच्चे आपके विधायक जमीन घोटाले में लेते हैं, विधायक आगरा में इनके विधायक
हैं जब आप आगरा में आपके विधायक जोन्स मिल वाले घोटाले में लिप्त है, आपके विधायक जमीन घोटाले में लिप्त है, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में सारी आरोपित आपकी सरकार है। आप झूठ जवाब दे रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। कौन विधायक मान्य मंत्री सम्मान करते हैं मगर आप झूठ बोल रहे हैं, झूठने का काम ढंगने का काम कर रहे हैं आपकी सरकार ने। कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक झूठ बोले मुझे बोलना पड़ रहा है, सच बोलिए। भाजपा की सरकार में नहीं मिलेगी, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, होता है तो आवाज चली जाती है। देख लो आवाज चली गई थी मंत्री जी, अरे कोई आवाज नहीं जाएगी, आवाज जा चुकी है, बड़ी मुश्किल से लौटी है। देखिए अभी महंगाई आवाज भाजपा की बंद हो चुकी है। देखो महंगाई के बारे में आप जानते हैं, उस समय गाना किस सरकार में बना था, महंगाई डाइन खाए जाते। अगर महंगाई की आप बात कर रहे हैं तो और सरकारों की देने, हमारी सरकार में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, मंत्री जी सब बता रहे हैं। मंत्री जी एक बात का मैं एक प्रश्न एक मिनट मंत्री जी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे मंत्री जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जब डीजल की डीजल ब्रांड की क्रूड ऑयल की रेट 25 रुपए प्रति डॉलर हो गई थी, बैरल हो गई थी,
तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था हम स्टोर कर रहे हैं और स्टोर करने के बाद जब महंगाई रेट बढ़ेगी क्रूड ऑयल की तब हम स्टोर में से बेचेंगे और सस्ता बेचेंगे, लेकिन आपने तो पूरे देश को लूट लिया और उसमें ऊपर उत्तर प्रदेश भी शामिल है, आगरा भी शामिल है। जिस चलनी में 100 छेद वो बोल रहे हैं बंसल जी, जब 25 जो जिस समय क्या मैंने गलत किया मंत्री जी, सीधा जवाब दीजिए, इधर उधर मत जाइए, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा था स्टोर करेंगे, सब्सिडी आपने खत्म कराया, सुन तो लोग और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब जब पेट्रोल डीजल की कीमत है पेट्रोल की कीमत 35 रुपए थी, ये 60-70 रुपए तक जब कौन ले गया, क्या हम ले गए, हमारी सरकार थी समय 10 साल किसने सरकार करी? अरे मंत्री जी, अरे मंत्री सुनो तो सही, सुनाता हूँ, इनका तो पारस हॉस्पिटल में भी कुछ हाथ नहीं है, आगरा के पारस हॉस्पिटल में भी कोई हाथ नहीं है, 22 लोग मारे गए, कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। क्रूड ऑयल चले नेताओं के बीच जनता की आवाज नहीं दबनी चाहिए, तो क्रूड ऑयल कहाँ से आता है? अरे मैं जवाब देना चाहता हूँ, त्यागी के पास चलते हैं, मैं क्या सवाल है, आप सवाल कर सकते हैं जनता सीधे। मंत्री जी आप गलत जा रहे हैं, आपको तो बोलने का सवाल उधर से आ रहा है पब्लिक से। चलिए ठीक है, और एक और सवाल किसानों को लेकर है, किसानों को लेकर अगर पब्लिक कोई सवाल करना चाहती है वो बिल्कुल कर सकती है। घूम रहे हैं भटके हुए नौजवान है, ये देखिए ये अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं ना, ये झूम नहीं रहे, निश्चित है और सबको पता है किसकी सरकार इस बार बनने वाली हो, बन रही है, ये सबको पता है कि ये झूमने कुछ नहीं होता, ये कुछ लोगों के चिल्लाने में कुछ होने वाला नहीं है, इसकी 25 सीटें हैं, हम लोगों की दोबारा से बहुमत की सरकार बनने वाली है, आप सब लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों को बहकावे आने की जरूरत नहीं है, रैलियों से जनने की आपको जरूरत नहीं है, आप लोगों की एक तरफा सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की आप लोगों की दोबारा सरकार बन रही है, आप लोग रहिए खुद रहो, मुंगेरी गाड़ी आपसे सवाल है, यूपी के विकास के क्या योजना है, सवाल सुन लीजिए, सभी नेताओं से है, मुफ्त की योजनाओं के अलावा तीनों पार्टियों के यूपी के विकास की क्या योजना है, ये जनता के बीच का सवाल है, सभी लोगों से है। वहाँ से शुरू करेंगे एक एक करके, बंसल साहब मुफ्त की योजना है, हर चीज मुफ्त मुफ्त। देखिए इस देश में संवैधानिक पद पर रहने वाले लोग जनता से झूठ बोलने लगे, अपना कार्य पूरा ना करें तो इस प्रकार की योजना आएंगी ही, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं झूठे झूठे वायदे करते हैं पहले, तो 15 करोड़ एक मिनट सुन लीजिए मैडम, आपके पास कुछ नहीं है, क्यों नहीं है बताइए, क्या नहीं दिया, मुफ्त के अलावा क्या नहीं दिया, मुफ्त के अलावा कुछ नहीं है, कब नहीं दिया है ना, हमने 40% महिला टिकट का वादा किया था, प्रियंका गांधी जी लड़की के बाद कुछ है नहीं, बहुत बड़ा वादा है, आप बर्बाद करो करने के बाद कुछ है नहीं, अच्छी बात है, इसके बाद कुछ नहीं है, जब चुनाव एक मिनट सुन लीजिए, जब चुनाव जीत कर लड़की अपने विधानसभा पार्लियामेंट में पहुंचेगी तो अपने हक की लड़ाई लड़ सकती है, ये बहुत बड़ा वादा है। बंसल जी के प्रश्न का मैं जवाब देना चाहता हूँ, जी बताइए, तो इन्होंने एक मूक प्रधानमंत्री बना दिया और उसके ऊपर सुप्रीम झूठा प्रधानमंत्री नहीं बनाया, सोनिया गांधी झूठे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, क्या खाली बना रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा गुंडा, बिल्कुल आज कुछ बोलेंगे कल कुछ, ये गुंडे टाइप का देखा, जिसका रिमोट कंट्रोल इटली के, कभी नहीं देखा जिसका रिमोट कंट्रोल इटली की आंटी के हाथ में था, ऐसा प्रधानमंत्री देखा कभी, क्या वैल्यू थी मुझे बताइए, राहुल गांधी तो तुम्हारे झूठ बोलते हैं, मनमोहन सिंह जी ने झूठ बोलने का क्रम किया, झूठे प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री झूठे हैं, मनमोहन सिंह ने कभी झूठ नहीं बोला देश की जनता से, इस
देश की जनता को ठगने का काम भी किया, देश के प्रधानमंत्री ने ठगने का काम किया देश की जनता को। उनको कभी किसी ने बोलते भी देखा था? जो धक्के दिया जाता था दोस्तों क्या होता है? उनकी हिम्मत नहीं, एक एक शब्द भी अपने मुझे पूछे जाते ऐसे बताओ, ऐसे बेचारे भूख भागल प्रधानमंत्री बनाए। ये बताइए आप, ये राहुल गांधी ने जनता के बीच एक सवाल है। मेरा सवाल भाजपा के मंत्री और भाजपा के प्रतिनिधियों से है, आपने 2017 में सरकार के आगमन से पहले एक मैनिफेस्टो बनाया था और उस मैनिफेस्टो में आपने वादे किए थे और जो सबसे पहले आपका अहम वादा था कि किसानों का पूरा ऋण माफ किया जाएगा। अगर भाई आपके पास मैनिफेस्टो से पढ़ लें और 0% इंटरेस्ट पे किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और उसके साथ साथ 14 दिन में अगर किसान अपना गन्ना चीनी मिल में लेके जाता है तो 14 दिन के अंदर वो भुगतान किया जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे उसमें, क्या इसमें किसानों की आय दोगुनी, 14 दिन में भुगतान, 0% पे आपने ऋण उपलब्ध कराया और क्या किसानों को आपने ऋण माफी दी, इस पे आपका क्या जवाब है? और क्या आपने सीतापुर में जो बुलडोजर आप करते फिर इनके मंत्री, इनके मंत्री का बेटा मंत्री जी को देना है। हमारे भाई ने एक प्रश्न पूछा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किसानों का ऋण माफ करने के लिए योजना घोषणा की थी, अरे आप बात सुनिए ना, कैबिनेट की पहली बैठक में 36,000 किसानों का 84 लाख करोड़ की कीमत से उनका प्रधानमंत्री कराया गया। झूठ सब झूठ है, सारा झूठ बोलने का काम किया है, ऐसे कुछ नहीं होगा। बात सुनिए, अच्छा जो हाथ दिला रहे हैं पूछो, एक भी किसान है उनका ऋण चुकाया गया? और आपको शोभा नहीं देता, उस प्रकार से कहना शोभा नहीं देता, मंत्री जी आपको शोभा नहीं देता। देखिए ये एक लाइव शो है, इसमें आप सब लोग कृपया संयमित तरीके से बैठे, संयमित तरीके से भाषा का परिचय दें और अल्लाह के लिए कुछ होने वाला नहीं है। मंत्री जी संयम रखो, आप लोग चार लोगों को बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब आप लोग आराम से बैठ के बात करिए। देखिए माननीय मंत्री जी कहते हैं कि करिए, ऐसी अजय मिश्रा टेनी कहते हैं कि मार दीजिए किसानों को, ये खुद उकसा रहे हैं लोगों को, मंत्री होके खुद कह रहे करिए। ये देखिए आप सब लोग शांति से बैठे आप लोग अपनी बात रखें, अपनी बात हम लोग पूछे बताएंगे, लेकिन आपसे अनुरोध है कि कृपया आप लोग शांति से बैठे, आप लोग शांति से बैठे, सबसे पहला काम शांति से बैठे। सवाल है आपसे, सवाल है मेरे सामने वालों को शांत करो। मोदी सरकार ने बिल वापस ले लिया है, इन्हीं उधम बाजी से सवालों को दबा दिया जाता है किसानों का। चौहान साहब आपसे सवाल है, मैडम क्या मैं सुन रहा हूँ, सामने वालों को थोड़ा सा बंद कराओ। अरे इसका फायदा सामने वाले, इनके प्रश्न का जवाब दे दूँ, मैं इनके प्रश्न का जवाब दे दूँ, इन्होंने सुना नहीं ठीक से। 36 पहले लोगों को बैठाओ आराम से, 84 लाख की लागत से उनका जो है। अरे भाई ये सभ्यता का परिचय दो, ये क्या तरीका है? सबसे पहले अगर आप लोग शांत नहीं होंगे तो मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। आप लोग चलिए ठीक है, शालीनता के साथ आवाज उठाइए, ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है। इधर भी बोलिए साहब, ये दोनों तरफ आगे सभा की छवि देख, अरे ये आपने देखे सभी लोग आप समाजवादी पार्टी का, अरे बैठिए ना निशा साहब, और नहीं है ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं। हमारे मंत्री प्रश्न का जवाब देंगे, आप धैर्यता से सुने, रोकेगी हमारे मंत्री जी आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, आप धैर्यता से सुने केवल। ठीक है चौहान साहब आपसे आप मुद्दों की बात करते हैं, बात करते हैं आगरा की, 9 सीटों पर कमल खिला, प्रचंड बहुमत तमाम जगह पर, कितना विकास यहाँ का हुआ है, अभी कौन कौन से मुद्दे हैं आप बताइए। देखिए इस आगरा में
9 विधानसभाओं पे आज भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। और मैं आज आपसे फिर कह देना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से आपके बीच में कि आने वाले 2022 के चुनाव में भी 9 विधानसभा की 9 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। समाजवादी का पहले भी जीरो था, कांग्रेस का पहले भी जीरो था, कुछ नहीं कर पाए, कोई सीट नहीं आनी, कितना भी हल्ला कर लो, पहले भी जीरो, कांग्रेस का भी जीरो, बसपा का भी जीरो। आपसे सवाल है, सवाल सुनिए, आप पहले सवाल सुनिए, एक सवाल, एक मिनट, ये फिर मुझे भी वही बोलना पड़ेगा। आप लोगों ने, हम कभी जीरो नहीं रहे, रुक जाइए निजाम साहब, बहुत रहे, हम कभी जीरो नहीं रहे, बहुत रहे। जब आप लोग देश को लूटते थे, जब आप लोग करते थे, ये तो हम लोगों की नई शुरुआत थी। अब जनता जाग गई है, ये देश का प्रत्येक नागरिक जागरूक है और सब लोग जान चुके हैं। आप लोगों को तो आप लोग देखिए, मेरा पसंद अनुरोध है, कृपया आप लोग आराम से घर में आराम करें, आपकी उम्र आराम करने की है, आप लोग समय अपना बर्बाद न करें। आप लोग तो खावा खाओ समय बर्बाद कर रहे हैं अपना, आप लोग निश्चित तौर पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग कुछ नहीं आ रहे थे, आप लोग आराम से आए, फिर सोचना आप लोग 26 में जाकर। जो सपा के नेता है वो जवाब देंगे, भाजपा की आ गई है, कूद रहे हैं ये लोग। आपसे एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, सवाल ये है और बहुत देर से ट्विटर पर लोग पूछना चाह रहे हैं कि पहले तो अखिलेश ने जिन्ना का जिन निकाला और अब बोतल जेब में डाल ली है, क्या है, क्या है वो बोतल? मुझे बड़ा तरस आता है ऐसे लोगों पे, ऐसे सवाल पूछने वालों पे। ये जनता सवाल नहीं है, ये आरएसएस और भाजपा के लोगों के सवाल है। जनता का सवाल रोजगार का है, जनता का सवाल जवाब दीजिएगा, ये बोतल जेब में कैसे आई? मैडम, आगरा में या बिना ऑक्सीजन के लोग मर गए, बिना इलाज के लोग मर गए। सवाल ये है, बेरोजगार नौजवान खड़े हैं, सवाल इनका है, ये भाजपा के सवाल है, इनका कोई वजह नहीं है। जनता समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ इस तरह की शोषण कर सकते हैं, उनके आरोप लगा सकते हैं। सुनिए, रोज भाजपा वाले सुबह से शाम तक जिला का 100 बार लाभ लेते नेताओं की बहस ऐसी जारी रहेगी। मैं मयंक के पास जा रही, मयंक जनता का सवाल नेता से पूछिए, सिर्फ जनता की आवाज। भारत के टुकड़े कराने वाले जिन्ना का आप ये गुणगान कर रही है, आपकी पार्टी ये लोग लेते इले पसंद है, इले पसंद है, सुबह से शादी जी लोग जनता से सवाल आ रहा है। जनता का सवाल क्या है सुन लीजिए। मैं बाजी भाई से पूछना चाहता हूँ कि आपके मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि जिन्ना का बड़ा योगदान रहा था भारत को आजाद कराने में, क्या आप भी इस ये जनता का सवाल नहीं है, भाजपा का सवाल है। आगरे की बात करो, आगरे यहाँ की समस्याओं की बात करो, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। पहले जवाब दीजिए ना सर, सही कर ले, सर जवाब दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जिन्ना का योगदान आजाद को था, इसको करेक्ट करिए आप पहले, डायरेक्ट कमेंट क्यों यही कहा था, वीडियो को देखें आप, ये उन्होंने कहा था कि साथ साथ पड़े थे, आप इसको करेक्ट करिए कि उन्होंने कहा था आजादी में, उन्होंने कहा था ये तो करेक्ट करिए इसको। ये करेक्ट आप भारत की आजादी के बारे में जिन्ना का हाथ था, ये उन्होंने ही कहा था माननीय आपके नेताजी ने। एक मिनट आराम से, एक बार उठाइए हम लोग, एक तरफ सबको मौका दिया जाएगा, जनता से पूछो, भाजपा के नेताओं से सवाल मत करो, भाजपा के नेताओं को अच्छा समाजवादी पार्टी आप कृपया मैं अपने माध्यम से एक बार कहना चाहूँगा, जो भी हमारे वरिष्ठ नेताजी जो बैठे हैं अपनी अपनी पार्टी को लेकर, कृपया कर वो सबसे पहले अपनी अपनी बात अपने पक्ष से अपने हिसाब से तो जनता के सामने आए। वेरी गुड, अपील करना चाहूँगा इस जनता से, जो भी यहाँ पर बैठी है, एक अच्छा नागरिक का सवाल है,
वो हर एक इंसान को अपनी बात रखने का मौका रखे, क्योंकि ऐसी बात नहीं अगर ये हमारे नेता बैठे हैं तो हमारी बिना बात सुने चले। ठीक है, सवाल करिए जल्दी से। अब मेरा सवाल पर्सनली हमारे राज्य मंत्री जी से है कि जो आपके घर पर जो पार्किंग है, वो पार्किंग जो है वो कब्जा की हुई पार्किंग है। जो कब्जे की हुई पार्किंग है, खुद कब्जा कर रहे हैं। मेरे दो सवाल हैं। ये देखिए मंत्री जी के बारे में इस तरीके के आप लोग कह रहे हैं। जलता है ये, जलता है ये, जलता है, कब्जा कर रहे हैं। बताइए, जवाब दीजिए मंत्री। बात को आगे आने दीजिए, माहौल ना खराब। ये तो बहुत सीरियस मैटर है। चलिए ठीक है, कृपया कर बात को आगे आने दीजिए, सिर्फ बात होने दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ वो पार्किंग क्या जनता की है या पर्सनल मंत्री जी की। पहली सवाल सवाल जी सर, मंत्री जी मेरे भाई ने ऐसा प्रश्न पूछा है, व्यक्तिगत प्रश्न पूछा है। मेरे घर के सामने तो पार्किंग है ही नहीं, मेरे घर के सामने तो कोई पार्किंग है ही नहीं, मेरे घर के सामने एक और सवाल भी पार्किंग नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, कब्जा नहीं करना चाहिए। मुझे बताइए, कब्जा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। ये जब मेरे घर के सामने पार्क है, पार्किंग नहीं है, मेरी गाड़ी है तो अपने घर के सामने खड़ा नहीं करो, तुम्हारे घर के सामने घर को जाए चोरी हो जाए। भ्रष्टाचार का श्रेय कौन लेगा? मोदी, योगी, मोदी और योगी बोलेंगे, मोदी और योगी लेंगे भ्रष्टाचारों का। तुम्हारा मंत्री कब्जा करे हुए है, नई स्टेज पे आरोप। ये देखिए निशान साहब, भ्रष्टाचार पर आप क्यों बोल रहे हैं? अरे निशान साहब, भ्रष्टाचार पे आप क्यों बोल रहे हैं? आप शांत रहिए, जवाब उनको देना, आप क्यों दे रहे हैं? अरे पब्लिक पूछ रही है किसी और से, आप क्यों बीच में कर रहे हैं? आप समझती, आप सब सोच रहे हैं ना, आप पक्षपात कर रही है। भ्रष्टाचार, आप एक सवाल जरा इनसे करते हैं, ये बताइए जब कोरोना काल था, कोरोना काल था तो सपा कहाँ थी? फोटो नहीं देखे रोडों पर हमारे नेता, हमारी भाभी बच्चों सहित पूरी समाजवादी लोगों ने मदद कर दी। आपको कहीं कोई दिखाई नहीं दिया था, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग दिनों रात मेहनत कर रहे, लोगों के लिए काम कर रहे थे लगातार। और ये देश का अच्छा भाग्य था, कोरोना काल में देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी थे, अन्यथा इस देश की हालात, ये लोग तो विदेश में गिरवी रख देते, ये लोग तो गिरवी रखवा देते, ये कांग्रेस के लोग तो देश में रखवा देते। लोगों को जेल में लाए, अरे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये मोदी और योगी की सरकार थी जो देश को कोरोना काल से निकाल कर रही है। ऐसी विपरीत और विषम परिस्थितियों से निकाल कर रही है ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी और योगी की सरकार निकाल के ला सकती है। अन्यथा इस देश के हालात सबसे बदतर होते, बहुत बुरे हालात इस देश के होते। केवल और केवल इस देश को अगर धन्यवाद देना चाहिए तो मोदी और योगी को धन्यवाद देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की धन्यवाद देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की धन्यवाद की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया वाइज पर पब्लिक सवाल पूछ रही है, लेकिन नेता सवाल से बच रहे हैं, ये तमाम नेता सवालों से बच रहे हैं। आप देख रहे हैं आवाज और सवाल जो है जनता की वो उठाई जा रही है, ये तमाम लोग, तमाम नेता शो पे जिस तरीके से बार बार बातें कर रहे हैं। मंसल साहब रुके, निशान साहब रुके, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ठीक एक एक करके जवाब। कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? सवाल नहीं करेंगे आप? देखिए मैं तो आपको बताऊंगा, आरोप लगाए मंत्री जी पर, कब्जे पर सवाल नहीं करेंगे। सपने क्यों दिखा रही है मैडम, क्यों इनको सपने दिखा रही है? इनको बंसल साहब बताएंगे, ठीक है। की सरकार थी तो कौवा तेल इस देश में 70 रुपए मिलता था, क्या करेंगे जल्दी से बताइए। फिर सपा के पास 70 रुपए तेल मिलेगा, 70 रुपए तेल मिलेगा, कांग्रेस की सरकार में 70 रुपए तेल मिलेगा, ठीक है, हो गया। अब सपा, आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से 1 करोड़ हमारे नेताओं में नौकरी, नौजवानों के लिए सबसे पहले, किसानों का भुगतान, स्वास्थ्य पे काम, विकास का नारा जो हमारे नेता देते हैं और साबित करके दिखाए हैं, इस प्रदेश का विकास करके रहेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। ठीक है, अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी क्या करेगी वो सुन लीजिए। देखिए
कुछ नहीं करेगी। डाउन डाउन डाउन, रुक जाइए। आप ये शोर मचाने आए हो, जवाब सुनने आए हो, सुन लीजिए थोड़ा। ये पूरे हिंदुस्तान को बेच देंगे ये बीजेपी सरकार। फिर आई ये प्राइवेट सेक्टर करते हैं पूरे देश को। आप बीजेपी नहीं हो, पूछ नहीं आ रहा हूँ। एक सवाल और है, एक सवाल, एक सवाल। मेरा सवाल एक काम बता दें, बात तो बहुत बड़ी बात है। मेरा सवाल आज बता दें कि आगरे में नगर दो सवाल बत्तीस साल में लूट गए और जो सड़क आज बनती है नारियल फोड़ने से टूट जाती है। 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली। देखिए ऐसा है, आज के अखबार में, आज के अखबार में यह साफ दिया गया है कि 177 करोड़ की जो संपत्ति है उसको टर्नओवर के रूप में सरकार ने या आपके अफसरों ने घोषित कर दिया। ये क्या है, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है, इसका जवाब दीजिए मंत्री जी। ऐसा है, आप बोलेंगे नहीं, ये सर पैसा मंत्री जी से संभाले, तुम क्यों बोलोगे? मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे, मंत्री जी जवाब देंगे, आप नहीं दोगे जवाब? मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप लोग सुनिए। फिर पब्लिक पब्लिक वोट करेगी यहाँ पर, बताएगी पब्लिक के पास का बादशाह कौन होगा, ठीक है? हाँ मंत्री जी जवाब देंगे। आप लोग अभी बात करेंगे, कौन सी सरकार आएगी आप बताओगे। मंत्री जी जवाब दीजिए जल्दी से। जवाब सुन लीजिए, अरे जवाब दो, जवाब सुन लीजिए पहले। मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, कृपया हमारे मंत्री का जवाब सुन लीजिए। मैं पब्लिक से जानिए, हम लोग हम लोग सभी सवालों का जवाब देंगे, कृपया जवाब सुने। जब जब सवाल करोगे ये नारे लगाने लगेंगे, 2022 का जब जब इनसे सवाल करोगे ये नारे दोनों तरफ से जोरदार आवाजें हैं, अपने अपने पार्टी की तरफ से। जब जब भाजपा के सवाल करोगे लोगों का, तब भाजपा के कार्यकर्ता नारे लगाते रहेंगे। चलिए, तो जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल,